नगर निगम द्वारा कोई संज्ञान न लेने पर अनीता चावला एडवोकेट के नेतृत्व में वार्ड संख्या 24 के निवासियों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मथुरा को NH2 हाईवे न्याति मेडिसिटी के बाहर की सर्वलेन की दुर्दशा के संबंध में दिया गया पत्र। नगर निगम के वार्ड नंबर 24 यानी न्याति मेडिसिटी के बाहर NH2 के सर्विस लेन का हाल जिसमें पिछले कुछ माह से छिपा नहीं है, ना तो नगर निगम ने ना NHAI कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस क्षेत्र के एकमात्र मंदिर है जिसमें जलभराव के कारण महिलाएं पूजा आदि नहीं कर पाती हैं एवं सिटी हुई कॉलोनियों एवं सर्विस लेन पर बिना बारिश के 2 फीट पानी एवं गंदगी हमेशा भरी रहती है जिसके कारण बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रही हैं। अनीता चावला एडवोकेट ने बताया कि मथुरा के नियति मेडिसिटी के बाहर एवं आसपास के बाईपास क्षेत्र जो कि वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत आते हैं जहां पानी की निकासी का कोई भी व्यापक व्यवस्था नहीं और ना ही वहां के पार्षद साफ सफाई इत्यादि पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। बिना बारिश के भी वहां आए दिन जलभराव की स्थिति पैदा होती रहती है जिसका कोई स्थलीय जवाब नहीं आ पाता है। करीब 2 माह पूर्व नगर निगम द्वारा सीवर लाइन के नाम पर पक्की सड़क खोदकर गड्ढे कर दिए गए जो कि पाइप डलवाने के बाद केवल कच्ची मिट्टी डालकर बंद कर दिए गए जिसके कारण सड़क में गहरे गड्ढे बन गए जो पानी की वजह से दिखते ही नहीं और प्रतिदिन आने जाने वाले दोपहिया वाहन चालक उन गड्ढों में गिर जाते हैं और आए दिन चोटिल भी हो जाते हैं। आज NH2 वार्ड नंबर हमारा 24 के सभी स्थानीय निवासी DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि NH2 की स्थिति नियति मेडिसिटी के बाहर की किसी से छुपी नहीं है। सारे अधिकारी से लेके एक छोटे लेवल तक का कर्मचारी भी वहाँ से पास होता है लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा। NH2 पे आज आप देखेंगे नियति मेडिसिटी के बाहर का जो सर्विस रोड बना हुआ है पूरा पानी भरा हुआ है, वहाँ बिन बारिश के भी कम से कम 2 फीट पानी पूरे टाइम जमा रहता है। आप हाईवे से सटी हुई जो भी हमारी बाईपास की कॉलोनी है उनकी स्थिति देखिए, उनकी स्थिति से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, पूरी इस नाला नहीं है वहाँ, नगर निगम का कोई नाला नहीं है जिसमें पानी की निकासी हो। इस संबंध में हम लोगों ने 18 तारीख को महापौर महोदय से टाइम लिया, उन्होंने कहा 12 बजे मैं उपस्थित रहूँगा, आप आइए अपनी समस्या को लेके। लेकिन 12 बजे जब स्थानीय निवासी जैसे आ जाए हैं, 18 तारीख को हम नगर निगम गए थे लेकिन वहाँ महापौर तो छोड़िए एक अधिकारी हमें उपस्थित नहीं मिला। हम स्टेनो मैडम को ज्ञापन देके आए और उसमें हमने 3 दिन का समय दिया उनको कि हमारा इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन निकाला जाए लेकिन 3 दिन में अभी तक कोई भी एक नगर निगम का कर्मचारी वहाँ देखने तक नहीं आया। हम आज 3 दिन अपने ख़त्म होने के बाद आज DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस संबंध में वह व्यक्तिगत निरीक्षण करें स्थल का। आए दिन उसमें अभी 1 महीने पहले सीवर लाइन के नाम पे 8-8 इंची के पाइप डाल दिए जाते हैं NH2 को खोद के, अच्छे खासे पक्के रोड को ख़राब करके, और उस पर मात्र कच्ची मिट्टी डाल के वो रोड पाट दिया जाता है, उस पर कोई पक्की सड़क नहीं है। आप आज भी वर्तमान स्थिति जाके विजिट करेंगे तो आपको स्थिति देखने को मिलेगी। आज भी कम से कम 2 से 4 वाहन वहाँ सुबह से पलट गए हैं, वहाँ पे रोज 2 पहिया वाहन पलटते हैं, रोज चुटैल होते हैं लोग, लेकिन कोई भी प्रशासन या नगर निगम सुनने को राजी नहीं है। आज DM साहब ने ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है अगर इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो विवश होकर हमें प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, लेकिन हमें अपनी समस्या का स्थायी समाधान चाहिए।